हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाईसी क्लासेस बाय डीएस सर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं भी हम दो नंबर ले लेते हैं, टू नंबर्स की बात हो रही है। अगर मान लीजिए हमने एक नंबर एक्स ले लिया तो उनका सम 27 है, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 27 माइनस एक्स। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, लेट बी द वन नंबर इज एक्स। ओके, सो अदर नंबर इज क्या होगा बेटा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि इनका सम है 27। ओके, अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 182, यानी एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यही तो दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ओके, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस का हो गया, ये इधर जाएगा, माइनस का हो गया। इसको इधर लेके गए हैं बेटा, हैं, और ये पहले से ही इधर ही लिखा हुआ है 180, और हमने लिखा इसको सीधा करके, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, यहाँ जीरो बचा, लेकिन इसको पलट के लिख दिया है। ओके, अब इसका क्या करना है बेटा? आपको मालूम है, फैक्टर कर लीजिए। तो इसका इसका मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। तो इसका मान लीजिए हमने फैक्टर करना चाह रहे हैं, तो 14 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा? अगर 14 और 30 करते हैं तो देखिए बेटा, 14 थ्री जा 42, यानी 2 होगा यहाँ। देखिए ये मिस्टेक हुई है बेटा, ये कितना लिखा है? 2 है। ओके, 182 है बेटा ये। ओके, देखिए तो इसका फैक्टर करिए, ये भी माइनस का होगा, ये भी, ये तो आपको आते ही होंगे, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, और इनको प्लस करें तो ये आ जाए। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिएगा, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, माइनस कॉमन लिया हो, आपको बताया था, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करो, 14 आ गया इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 आ गया, एक्स माइनस 13 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आप कितनी वैल्यू आएंगी आपकी, एक तो एक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा व्हेन एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 14 आ गया। ओके, व्हेन एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 13 आ गया। ओके, अब तो नंबर्स क्या होंगे? अगर हम 14 ले रहे हैं बेटा, 14 लेके चलेंगे तो एक 13 होगा, अगर एक्स को हम 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर कितना होगा? 14 होगा। ओके, सो यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, हेंस, यहाँ लिखे दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, टू नंबर्स, टू नंबर्स आर कौन से होंगे? 13 और 14 और या 14 एंड 13 एंड होगा यहाँ। ओके, यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों को प्लस करके देखो, 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट होता है 3 वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज। तो कॉन्सिक्यूटिव लेट कर लीजिएगा, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। जैसे 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, तो टू कॉन्सिक्यूटिव एक्स और एक्स प्लस 1, जैसे 3, 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3, 3+1। ओके, लिख सकते हैं ना? अगर मान ली 5, 6 लिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5, 5+1।
ऐसे ही अगर हमने x लेट कर लिया, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे, एक x लिया हमने अगर, तो दूसरा क्या होगा बेटा, x प्लस 1। ओके, अब ये कह रहा सम ऑफ हूज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इनका स्क्वायर करो और सम करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यही तो होता है इक्वल टू 365। तो ये 2x स्क्वायर हो गया बेटा। ओके, ये हो गया प्लस 2x और ये 1 है, और ये इधर लेके आओ माइनस 365, सेपरेट कर लो इसे, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका आपको क्या करना है, फैक्टर। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू माइनस 364, यही तो होता है, आपने पढ़ा होगा, फैक्टर आते होंगे आपको। देखिए देखिए बेटा, इसमें आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स बच गया माइनस 2 बन जा 2, 2 एट जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। 2 को डिवाइड कर दीजिएगा, 0 में चला जाएगा, 0 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 0। ओके, अभी हमने इसके फैक्टर किए ही थे, उसमें भी यही था 182, तो हो गया। देखो इसमें माइनस लाना है तो क्या करोगे, 14 तो ले लो आप प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है, माइनस का ले लो 13। ओके, 13 का इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आ गया, इसको माइनस करोगे तो 1 आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, ये फैक्टर होते हैं आपके, इसमें कॉमन ले लो इसमें से इसमें से, तो x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा 14 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका x प्लस 14 और ये आ गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इनको अलग अलग 0 अगर लेंगे तो ये माइनस में आएगा, और हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं पॉजिटिव, तो ये वाला तो हमें लेना नहीं होगा, हमें कौन सा लेना होगा, x माइनस 3। ओके, अगर हम यहाँ से लेते हैं, देखो व्हेन x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 आ गया, और ये हमें लेना नहीं है, क्यों, ये नेगेटिव आ गया, हमें चाहिए पॉजिटिव। सो व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गए हमारे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हैंस 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया आपका एंड 14, 13 प्लस 1, जैसे x x प्लस 1 था, एक 13 हो गया, एक 13 प्लस 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यदि इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके, अदरवाइज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, कर दिया करें इसको। और जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो बाईसी क्लासेस बाय DSR चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मिलता है आपको पैसा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।